दोस्तों, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप पर कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड स्टिकर डाउनलोड करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दे रखी है ऐप की। उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत से स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी पे है हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें किस किस तरह के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टिकर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये स्टिकर पसंद आते हैं तो आप इसे अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें ऐड में क्लिक कर देना है। ऐड में क्लिक करने के बाद ये जो स्टिकर्स हैं जो आपने अभी देखे हैं, वो सभी स्टिकर आपके व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टिकर पैक एडेड टू व्हाट्सएप लिखा नज़र आ रहा है। अब हमें बैक आ जाना है दोस्तों। अगर दूसरी कैटेगरी का स्टिकर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्णा स्टिकर्स लिखा है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं, बहुत से स्टिकर हैं। इसे भी आप अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर सकते हैं। सिंपली वही प्रोसेस है जो मैंने पीछे बताया है, ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। अब ये दोस्तों, अब आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद इमोजी वाले आइकन में क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर हमें स्टिकर के आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो मैंने स्टिकर ऐड किए अपने व्हाट्सएप पर, अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी। तो ये स्टिकर आपको सिंपली देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये सारे स्टिकर जो आप देख पा रहे हैं, ये हमने अभी ऐड किया है। अब आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं।